Assalamualaikum, मैं जुलेखा अरफात जुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सा मटर पनीर। मैंने एक रेस्टोरेंट में रिसेंटली खाया था, तो मैंने सोचा अपने चैनल पर ही बनाकर फिर से खुद भी खाऊं और चैनल के लिए भी बना लूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए कढ़ाई या फ्राई पैन के अंदर थोड़ा सा तेल डाल दीजिए और 1.5 टेबलस्पून जितना मक्खन डाल दीजिए। अच्छा, मैंने थोड़ा सा तेल ज़्यादा डाला है क्योंकि मेरी ये जो पतीली है ना, थोड़ी सी नॉनस्टिक नहीं है तो चिटकने का डर है। चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए। अच्छा, ये हो जाए, मेल्ट हो जाए, मैंने चूल्हा स्लो कर दिया। और यहाँ मैंने ना 250 ग्राम पनीर लिया, उसके पीसेस किए हैं, आप देख सकते हैं। आपने जितने बड़े रखने, कितने छोटे रखने हैं वो आपके हिसाब से रख सकते हैं। और अब इसे उलट पलट करते हुए चारों ओर से लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए ना, ज़्यादा बहुत मत लगा दीजिएगा स्पॉट्स, बस हल्के हल्के आपको लगे कि कलर थोड़ा सा चेंज होने लगा है, सुनहरी पे जा रहे हैं, तो इन्हें ड्रेन करके निकाल लीजिए और साइड पर रख दीजिए ऐसे। अब वही कढ़ाई के अंदर यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 3 मीडियम साइज़ की प्याज, रफली काट कर डाली है। और चूल्हा फिर से चालू कर दी थी क्योंकि उस समय मैंने बंद कर दिया था। और इसे डालकर 2-3 मिनट तक फास्ट आंच पर या मीडियम आंच पर फ्राई करें। जब 2-3 मिनट हो जाए तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 12 से 13 कली लहसुन की और 1 इंच का अदरक टुकड़ा, उसको मोटा मोटा मैंने रफली काट लिया है, 1 इंच से ज़्यादा ही है। और इसे भी 1 मिनट तक फ्राई कीजिए बार बार चलाते हुए। अब लहसुन अगर आपके पास बड़े हों तो आप 7-8 लीजिएगा, मेरे छोटे थे तो मैंने 12-13 लिया है कुछ। अब यहाँ पर जब 1 मिनट हो जाए तो 4 से 5 मीडियम साइज़ के टमाटरों को मोटा मोटा मैंने काट लिया है और इसे भी डालकर 1-2 मिनट तक फास्ट आंच पर फ्राई कीजिए। जब 1-2 मिनट हो जाए तो स्लो आंच करके 6-7 मिनट तक इसे स्लो आंच पर पकने दीजिए, सो दैट पूरी तरीके से नम हो जाएंगे। ये देखिए 6-7 मिनट हो चुकी है और 7 मिनट के बाद चूल्हा कर दीजिए बंद और इसे कम्प्लीटली ठंडा हो जाने दीजिए। जब अच्छा कम्प्लीटली ठंडा हो जाए तो मिक्सर जार के अंदर डालकर बिना पानी डालकर बहुत अच्छा पीस लीजिए। तब तक पीसिए जब तक पेस्ट नहीं हो जाता पूरी तरीके से, और इसे साइड पर रख दीजिए। अब सेम वही कढ़ाई लीजिए, चूल्हा फास्ट आंच पर फिर से चालू कर दीजिए, तेल डाल दीजिए अपने हिसाब से, मैं थोड़ा ज़्यादा ही डाल रही हूँ। और इसमें डाल दीजिए गरम मसाले, 2 तेज़पत्ता डाल दीजिए, 1 डंडी दालचीनी की, 1 छोटा चाय का चम्मच साबुत जीरा, 2 लौंग और 3-4 काली मिर्च। ये सारे को डालकर इसे फास्ट आंच पर तड़तड़ा जाने दीजिए तेल में। जब अच्छे तड़तड़ा जाए गरम मसाले तो यहाँ पर चूल्हा मैं बंद कर देती हूँ क्योंकि बहुत जल्दी गर्म हो जाती है मेरी पतीली। अब इसके अंदर थोड़ा ठंडा हो जाने दीजिए, तो यहाँ पर मैं ये सारी चीज़ें डाल देती हूँ। 1/4 छोटी चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 छोटी चाय का चम्मच धनिया पाउडर और 2 छोटी चाय के चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये कश्मीरी से कलर आएगा ना लाल वाला। अब जब हल्का ठंडा हो जाए, बहुत ज़्यादा भी ठंडा नहीं करना और एकदम गर्म में भी नहीं डालना है, जब हल्का ठंडा हो जाए तो यहाँ मैं डाल देती हूँ मसाले और क्विकली मिक्स कर लीजिए। अगर आपका नॉर्मल टेम्परेचर पे है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, तो आप तब डाल दीजिए और बस 5-7 सेकेंड ही उसे फ्राई कीजिए। मैंने चूल्हा फास्ट आंच पर करके 5-7 सेकेंड ही फ्राई किया और क्विकली ये जो मसाला हमने साइड पर पीस कर रखा है सारा डाल दीजिए क्विकली। मैंने चूल्हा फिर से स्लो कर दिया और इसे एक बार मिक्स कर लीजिए। जब आप अच्छा मिक्स कर लें तो इसके अंदर 1/4 कप जितना पानी डालें मिक्सर जार के अंदर और चला कर इसमें डाल दीजिए। एक बार चला लीजिए, मैंने थोड़ा सा तेल डाला लेकिन कैप्चर नहीं हो पाया वो शॉट, माफ़ी चाहती हूँ। और अब मैं डाल देती हूँ 1/2 छोटी चाय का चम्मच भुना पीसा जीरा पाउडर और 1/2 छोटी चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर। अब आप चाहें तो गरम मसाले का पाउडर एंड में भी डाल सकते हैं। हाँ, मैंने डाल दिया और मिक्स कर लिया और इसे ढक कर स्लो आँच पर तकरीबन 6-7 मिनट तक पकने दीजिए, या तब तक स्लो आंच पर पकाएं जब तक तेल नहीं छूट जाता बहुत अच्छे से। तकरीबन मैंने 7 से 8 मिनट तक पकाया और ये देखिए बढ़िया सा तेल छूट चुका है। एक बार मैं चला लेती हूँ और यहाँ पर मैंने फ्रोजन मटर लिए है, ये 1 कप है, अब इसमें डाल दीजिए। अब पानी यानी कि ग्रेवी आपके हिसाब से डालिएगा, तो मैं यहाँ 1.5 कप जितनी डाल रही हूँ, आप चाहें तो 1 कप 1.25 कप भी डाल सकते हैं। एक बार चला लीजिए, नमक भी डाल दीजिए स्वाद अनुसार और चूल्हा फास्ट आंच करके इसमें एक उबाल आ जाने दीजिए। जी अच्छा, अगर आप फ्रोजन मटर नहीं लेके फ्रेश मटर ले रहे हो ना, तो आप पहले उसे बॉईल कर लीजिएगा 4-5 मिनट तक पानी के अंदर, और जब अच्छा बॉईल हो जाए तो नितार कर फिर इसमें डाल दीजिएगा। नमक मुझे थोड़ा सा कम लगा तो मैंने एडजस्ट कर लिया, एक बार चला लेती हूँ। अच्छा, वो जो हमने साइड पर फ्राई करके रखे हैं
पनीर वो सारे डाल दीजिए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बोलकर, और जो प्लेट के अंदर भी जो भी लगा हुआ तेल या मक्खन है वो डाल दीजिए, अच्छे से निकाल कर एक बार चला लीजिए। अब जैसे उबाल तो आ ही रहा है, अभी से स्लो आंच करके ढक कर तकरीबन समझिए ना 17-18 मिनट तक पकने दीजिए, या तब तक पकाएं जब तक तेल ऊपर नहीं छूट जाता। 15-16 मिनट हो गए और मैं चेक कर लेती हूँ, देखिए तेल छूट चुका है, मतलब हो चुके हैं। यहाँ पर मैं एक छोटे चाय का चम्मच कसूरी मेथी को हाथों की मदद से क्रश करके डाल देती हूँ। यहाँ आप चाहें तो पहले, अगर आपने गरम मसाले का पाउडर नहीं डाला है, तो आधा छोटे चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर डाल दीजिएगा, मिक्स करके से ढक कर तकरीबन 1 मिनट तक स्लो आँच पर पकने दीजिए, सिमर होने रहने दीजिए। 1 मिनट हो जाए चूल्हे को कर दीजिए बंद, खूब सारी बारीक कटी हुई कोथमीर डाल दीजिए यानी कि हरा धनिया, और गर्मा गर्म ये बन गया हमारा मटर पनीर सर्व होने के लिए रेडी है। इसे निकालें, गर्मा गर्म सर्व करें, रोटी पराठा फुल्का बटर नान किसी के भी साथ। वैसे इनमें से कुछ की रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहां चेक कर लीजिएगा। टमाटर का खास करके ख्याल रखना, एकदम लाल टमाटर लीजिएगा, उसी से हमें कलर मिलता है, और ये ज़्यादा स्पाइसी डिश नहीं है, तो अगर आपको और ज़्यादा स्पाइस करना है तो आप हरी मिर्चियाँ 2 डाल सकते हैं, जब प्याज को फ्राई करते हैं तब डाल दीजिएगा तो वो पीसा जाएंगी। तो है ना मजेदार रेसिपी आज की, अगर आप ये रेसिपी बनाए तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो जल्दी जल्दी लाइक कीजिए, और उससे ज्यादा अच्छी लगी हो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ये वाले वीडियो के लिंक जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा, और फिर से हाजिर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।